कि शिमला में भी जगह जगह रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए। इसी के साथ शिमला में ऐतिहासिक जाखू मंदिर में भी दशहरा पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जाखू मंदिर में पुतलों के दहन को देखने भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को आग लगाई और प्रदेशवासियों को दशहरे की बधाई दी। सीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हिमाचल चुनावों को लेकर राहुल गांधी से लंबी बातचीत हुई है, बातचीत से उन्हें संतोष है। मीडिया ने जब उनसे संगठन के बारे में पूछा तो सीएम ने कहा कि संगठन पर अब पूर्ण विराम लग गया है, यानी दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह फुल पूरी की पूरी फॉर्म में नजर आएंगे, यानी फुल फॉर्म में नजर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम दशहरे की, विजयदशमी की, जो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। आज के दिन जगह जगह रावण के पुतले का दहन किया जाता है। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो पुतला दहन होता है उसी के साथ साथ बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। किस किस चीज की बुराई का दहन करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, आपको बता दें कि जो भ्रष्टाचार राज्य सरकारों में फैलता है, लोगों के बीच लोगों की परेशानियां बनता है, उसका खात्मा होना चाहिए, यानी इसका दहन होना चाहिए। वहीं बेरोजगारी जो है लगातार, किसी भी राज्य का हम जिक्र करें, किसी भी राज्य की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें आगे गरीबी की, तो गरीबी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें सियासत की, तो सियासत आप हिमाचल में बखूबी देख सकते हैं। सियासत के चलते ही विपक्ष में मौजूद बीजेपी और पक्ष में मौजूद कांग्रेस, लगातार दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। मौजूदा सरकार यानी कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है और हिमाचल की सरकार साफ कहती है कि हमें आने वाले वक्त में अपने विकासों के दम पर आगे बढ़ना है। और इन्हीं बातों के बिल्कुल विपरीत बीजेपी मुखर होकर आरोप लगाकर कहती है कि कांग्रेस के राज में हिमाचल में कुछ नहीं हुआ है, हिमाचल का विकास तक नहीं हुआ है, आने वाले वक्त में बीजेपी ही सत्ताधारी पार्टी बनके यहां पर आएगी। जिस तरीके से पूर्व में हुए शिमला में नगर परिषद के चुनाव हैं, उसमें इस तरीके के रिजल्ट सामने आए थे, तो जो नगर पालिका चुनाव हुआ था उसमें रिजल्ट सामने आया था, नगर पालिका में जो जीत मिली थी वो मिली थी बीजेपी को।